जय हिंद साथियों, मैं सद्दाम। आज का हमारा टॉपिक है मंगोल आक्रमण, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो मंगोल आक्रमण हुए थे उन्हीं के बारे में हम जानेंगे। जब हम मंगोल आक्रमणों की बात करते हैं, यूं तो ये मंगोल आक्रमण भारत पर इल्तुतमिश के समय भी हुए थे, जी हां, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय ये ज्यादा खास थे। जी हां, ये इसलिए ज्यादा खास थे क्योंकि ये एक आक्रमण नहीं हुआ, ये 7 आक्रमण हुए थे। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण जो हुए थे वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए थे। और पहले आक्रमणों में और इन आक्रमणों में बड़े अंतर थे। जी हां, पहले आक्रमण तो केवल इस उद्देश्य से इसलिए होते थे क्योंकि ये धन प्राप्त करने के लिए आते थे, ये नहीं सोचते थे कि हम साम्राज्य विस्तार करेंगे। लेकिन यहां पर जो ये आक्रमण होते हैं, इस समय इनका उद्देश्य अलग था, और इस समय जो उद्देश्य था वो ये था कि हम साम्राज्य विस्तार करेंगे, और इस उद्देश्य के साथ ये आक्रमण हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के समय। सर्वाधिक 7 आक्रमण हुए थे। लेकिन यह बात भी सच थी, अगर दिल्ली की राजगद्दी पर उस समय अलाउद्दीन खिलजी जैसे शक्तिशाली शासक ना होते तो उस समय मंगोलों का भारत पर अधिकार हो जाता, क्योंकि 2-2 लाख सेना लेकर आक्रमण किया था। कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में तो 2 लाख सेना भेजी थी दवा खाने। जी हां, तो आज हम उन्हीं मंगोल आक्रमणों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करें जो ये अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी के मुख्यतः 4 सेना नायक थे। खिलजी के मुख्यतः 4 सेना नायक थे। कितने सेना नायक थे? 4 सेना नायक थे। नंबर एक है उलुग खां। नंबर दूसरा है नुसरत खां। नंबर तीसरा है अल्प खां। और अगले हैं जफर खां। जी हां, कितने हैं? 4 है। ये मैं आपके लिए इसलिए बता रहा हूं, इन चारों में से जिसने मंगोलों को पीछे धकेला था और जो शक्तिशाली थे वो थे जफर खां। कौन थे? जफर खां। और इस जफर खां ने ही मंगोलों को पीछे धकेला था। जो कुतलुक ख्वाजा यहां पर 2 लाख सेना लेकर आते हैं, इसकी सेना को जो पीछे धकेला था वो इसी ने धकेला था, जफर खां ने। जी हां, और बताया जाता है कि जब मंगोलों के घोड़े पानी नहीं पिया करते थे, उस समय मंगोल आपस में कहा करते थे कि तुमने जफर खां को तो नहीं देख लिया है। इस बात से ये पता चलता है कि जो ये जफर खां थे ये कितने बहादुर थे, और इस जफर खां से अलाउद्दीन खिलजी भी खौफ खाते थे। जी हां, जब ये जफर खां मंगोलों ने घेर लिया था, 10,000 मंगोल थे और जफर खां के साथ केवल 1,000 सैनिक थे जब ये मंगोलों को पीछे धकेल रहे थे। जी हां, इसे घेर लिया था मंगोलों ने। उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने कोई सेना जफर खां की सहायता के लिए नहीं भेजी थी, और फिर बाद में यह भी कहा था अलाउद्दीन खिलजी ने, मुझे अपमानित हुए बिना जफर खां से मुक्ति मिल गई। तो इस बात का हमें अंदाजा लगता है, इस बात का हमें ये पता लगता है कि जफर खां का कितना खौफ था। जी हां, और ये जफर खां लास्ट में मंगोलों से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। ये मैं जफर खां के लिए, ये जो 4 सेना नायक थे ये मुख्य थे। जी हां, इसमें से नुसरत खां 1301 में रणथंभौर युद्ध के समय वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है ना। ये एक थोड़ा सा एक बेसिक था, लेकिन हमें अपने पॉइंट पर आना है। हमें आना है कि मंगोल आक्रमण, जब हम मंगोल आक्रमणों की बात करते हैं तो मंगोलों ने 7 आक्रमण किए हैं। कितने आक्रमण किए हैं? 7 आक्रमण किए हैं। अब बात यह है कि जो ये मंगोलों के जो आक्रमण हुए थे, उस समय मंगोलों के जो सरदार थे, जो शासक थे, वो कौन थे? इस समय मंगोलों के जो शासक थे वो थे दावा खां। कौन थे? दावा खां इस समय मंगोलों के शासक थे। जी हां, इस दावा खां ने ही भारत पर आक्रमण के लिए अपनी सेना को भेजा था। दावा खां इसी ने भेजा था भारत में आक्रमण के लिए अपनी सेना को। जी हां, हम बात करते हैं
जो पहला जो आक्रमण होता है, कौन सा जो पहला आक्रमण होता है, ये 1296 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1296 ईस्वी में होता है। और दावा खाने कादर खां को इस समय आक्रमण के लिए भेजा था, कादर खां को आक्रमण के लिए भेजा था, ठीक है ना। लेकिन हम बात करें जो ये कादर खां है, इसकी क्या हो जाती है? इसकी पराजय हो जाती है। जी हाँ, पराजय हो जाती है। कादर खां यहां पर पराजित होते हैं। और बताए जाते हैं जो ये कादर खां यहां पर पराजित होते हैं, और जो मंगोल जो सैनिक थे वो भी काफी यहां पर वीर गति को प्राप्त होते हैं, मारे जाते हैं काफी, ठीक है ना। ये पहला आक्रमण था जो कादर के नेतृत्व में 1296 ईस्वी में किया गया था। और इसी समय अलाउद्दीन खिलजी राजगद्दी पर बैठे थे, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था और उसी समय आक्रमण हो गया था, ठीक है। इसके बाद हम बात करें नंबर दूसरा आक्रमण जो होता है वो होता है 1297 ईस्वी में, 1297 और 98 ईस्वी में दूसरा आक्रमण। अब ये दूसरा जो आक्रमण होता है इसकी जिम्मेवारी दावा खां ने अपने खुद के भाई सालदी के लिए दी। किसके लिए दी? सालदी के लिए इसकी जिम्मेवारी दी, अपने भाई सालदी के लिए इसकी जिम्मेवारी दी। जी हां, जब सालदी के लिए इसकी जिम्मेवारी दी तो इस समय होता क्या है, ये सालदी जो आए थे बड़ी सेना लेकर आए थे, 1.5 लाख के लगभग इसके पास सेना थी। जी हां, लेकिन मैं आपको बता चुका था जो जफर खां थे वो बड़े बहादुर थे। जी हां, और इसकी सालदी की पराजय हो जाती है और सालदी और इसके सैनिकों को पकड़कर लाया जाता है और इस सालदी की हत्या कर दी जाती है। इसकी हत्या दिल्ली में कर दी जाती है, इसे मौत के घाट उतार दिया जाता है, इसकी हत्या कर दी जाती है सालदी की। जी हां, ये था दूसरा आक्रमण था। लेकिन इन आक्रमणकारियों को भेज कौन रहे हैं? दावा खां भेज रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें अगला जो आक्रमण है, नंबर तीसरा आक्रमण है वो होता है 1299 ईस्वी में। ये आक्रमण बड़ा भयंकर था जो 1299 में होता है। ये आक्रमण इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण था जो दावा खां थे, अब यहां पर आक्रमण की जो इसने जिम्मेवारी जो सौंपी थी स्वयं के बेटा कुतलुग ख्वाजा को सौंपी थी। किसको? कुतलुग ख्वाजा को सौंपी। अब ये जिम्मेवारी अपने पुत्र खुद के लिए सौंपी थी और 2 लाख सेना को भेजा था अपने पुत्र के साथ, और ये बड़े धमाकेदार तरीके से आए थे कुतलुग ख्वाजा, और ये दिल्ली के पास तक इन्होंने एंट्री कर ली, बहुत ज्यादा सेना थी। जी हां, अलाउद्दीन खिलजी से कहा गया था कि आप मंगोलों से संधि कर लीजिए, नहीं जीत पाएंगे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने किसी की बात को नहीं सुना। और अलाउद्दीन खिलजी को मालूम था अगर हम इनसे एक साथ युद्ध करेंगे तो हमारी पराजय होगी। इन्होंने पहले छापामारी युद्ध की नीति को अपनाया। जी हां, छापेमार युद्ध की नीति को अपनाया और पहले इन्होंने कुतलुग ख्वाजा को परेशान किया, और परेशान करने में महत्वपूर्ण भूमिका जिसने निभाई थी उसका नाम था जफर खां। जी हां, जफर खां। और बाद में जफर खां ने जब इसकी सेना पर आक्रमण किया तो इन मंगोलों को पीछे हटना पड़ा। पीछे नहीं हटना पड़ा, बताया जाता है कि जफर खां इन्हें खदेड़ते हुए दिल्ली से काफी दूर लेकर चले गए थे, और जब इन्हें खदेड़ कर जब वापस लौट रहे थे जफर खां, और इसी कुतलुग ख्वाजा की सेना में थे तारगी, कुतलुग ख्वाजा की सेना में थे तारगी, और तारगी के पास 10,000 सैनिक थे। कितने सैनिक थे? 10,000। और तारगी ने इसे घेर लिया जफर खां को, लेकिन जफर खां फिर भी नहीं भागे, और जफर खां के पास केवल 1,000 सैनिक थे, और जफर खां ने अपनी तलवारें निकाली और तारगी से युद्ध करने में लग गए। जी हां, अलाउद्दीन खिलजी को यह करना चाहिए था, जब उसको मालूम था कि जफर खां यहां पर नहीं है, वो मंगोलों का पीछा करने के लिए गए हैं, तो इसकी सहायता के लिए सेना भेजनी चाहिए थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कोई सेना नहीं भेजी। जी हां, और अंतिम समय में जफर खां तारगी से युद्ध करते समय, इसी युद्ध की समय की बात है, तीसरे युद्ध की समय की बात है,
और शहीद हो जाते हैं। लेकिन जफर खां तो शहीद हो जाते हैं और मंगोलों के दिमाग में जफर खां का इतना ज्यादा भय बन जाता है और लगता है जहां पर जफर खां जैसे सेनानायक हो वहां पर सफलता प्राप्त करना आसान नहीं है। बताया जाता है उसी रात मंगोल दिल्ली को छोड़कर चल दिए थे। जी हां, दिल्ली को छोड़कर चल दिए थे। और बताया जाता है जफर खां जो थे ये इतने वीर थे और मंगोल भी से इतना वीर मानते थे, जब मंगोलों के घोड़े पानी नहीं पीते थे तो उस समय मंगोल आपस में कहा करते थे कि तुमने जफर खां को तो नहीं देख लिया है। जी हां, और ये तीसरे युद्ध में जो 1299 में होता है, जफर खां इस समय शहीद होते हैं। और इस समय अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था मुझे बिना अपमानित हुए जफर खां से मुक्ति मिल गई थी। जी हां, मुझे बिना अपमानित हुए जफर खां से मुक्ति मिल गई थी, क्योंकि जो उलुग खां थे, अल्प खां थे, जो सेना नायक थे अलाउद्दीन के, वो भी इससे जफर खां से नफरत करने लग गए थे। क्योंकि जो अल्प खां ने जो गुजरात विजय प्राप्त की थी, जी हां, जो गुजरात विजय प्राप्त की थी उलुग खां ने, नुसरत खां ने, क्योंकि उस गुजरात विजय को इसने धूमिल कर दिया था जब मंगोलों को पराजित किया था। पहले गुजरात विजय का नाम ही चलता था और अब नाम हो गया जफर खां का मंगोलों को धकेलने वाला। जी हां, और यहां पर ये शहीद होते हैं तीसरे युद्ध में और ये मंगोल फिर यहां से पीछे हट जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला चौथा युद्ध होता है मंगोलों का 1303 ईस्वी में। 1303 ईस्वी में चौथा युद्ध होता है और चौथे युद्ध में तारगी के नेतृत्व में आक्रमण किया जाता है। किसके नेतृत्व में? तारगी के नेतृत्व में। और इस समय जो अलाउद्दीन खिलजी थे, अलाउद्दीन खिलजी की स्थिति इस समय सही नहीं थी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की सेना इस समय दो जगह विभाजित थी। एक तो 1303 में ये चित्तौड़ पर आक्रमण कर रही थी। एक 1303 ईस्वी में इन्होंने तेलंगाना पर आक्रमण किया था मलिक छज्जू के नेतृत्व में। तो अलाउद्दीन की सेना दो भागों में विभाजित थी। जी हां, कितने भागों में? दो भागों में विभाजित थी। और मंगोल दिल्ली तक पहुंच गए और यहां पर इन्होंने काफी लूटपाट भी की थी, जहां तक ये भी बताया जाता है इस समय अलाउद्दीन ने इससे संधि कर ली थी। क्योंकि अलाउद्दीन को पता था कि जो अपनी स्थिति है वो सही नहीं है, क्योंकि अलाउद्दीन की सेना इस समय दो भागों में विभाजित थी और बताया जाता है कि इस समय संधि कर ली थी। लेकिन इस आक्रमण के बाद अलाउद्दीन खिलजी को यह एहसास हो चुका था कि मुझे अपनी राजधानी को मजबूत करना है, और इसी समय इन्होंने सीरी फोर्ट जहां पर मंगोलों के सिरों की मीनार लगाई गई थी और सिर से बना है सीरी फोर्ट, और इसे इसने बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया था। जी हां, बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया, क्योंकि ये पता था कि जो मंगोल है इनके बार बार आक्रमण हो रहे हैं, तो राजधानी हमारी सुरक्षित होनी चाहिए, इसलिए इसे बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया गया था। ठीक है, और इसके बाद इस सीरी फोर्ट को ही इसने 1304 ईस्वी में अपनी राजधानी बना लिया। कितने? 1304 ईस्वी में राजधानी बना लिया। ठीक है, ये मंगोलों का चौथा आक्रमण था। इसके बाद हम बात करें मंगोलों का पांचवा आक्रमण अली बेग एवं तरकत के नेतृत्व में ये 1305 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1305 ईस्वी में किया गया था। और इस समय भी मंगोलों की पराजय हुई जी हां, इस समय भी मंगोलों की क्या होती है? पराजय मंगोलों की होती है, और ये 1305 ईस्वी में किया गया था और मंगोलों की इस समय पराजय हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें
नंबर छठा आक्रमण जो है ये कबक के नेतृत्व में किया गया था। किसके नेतृत्व में? कबक के नेतृत्व में, कबक खां के नेतृत्व में किया गया था। कबक खां के नेतृत्व में ये 1306 ईस्वी में किया गया था। जी हाँ, और यहां पर भी मंगोलों की पराजय होती है। क्या होती है? पराजय होती है मंगोलों की। और जो मंगोल जो अंतिम आक्रमण जो किया जाता है इकबाल 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 मंद के नेतृत्व में किया जाता है। किसके? इकबाल मंद के नेतृत्व में किया जाता है 1307 और 1308 ईस्वी में यह किया जाता है। जी हाँ, 1307 और 8 ईस्वी में किया जाता है। और यह अंतिम आक्रमण था जो मंगोलों का जो किया गया था। जी हाँ, और इसके बाद जो मंगोलों की पराजय होती है और इसके बाद ये जो इकबाल मंद थे, जो मंगोल थे, इनका बहुत बुरी तरीके से इन्हें मारा गया था, हत्याएं की गई थी। और इसके बाद मंगोलों ने दोबारा यहां पर आक्रमण नहीं किया। जब हम बात करते हैं तारगी के आक्रमण की, जब हम बात करते हैं, ये आक्रमण इनका काफी हद तक सफल रहा था क्योंकि ये इस समय 2 माह तक रहे थे दिल्ली में, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी इस समय संकट में थे क्योंकि इसने 2 जगह आक्रमण कर रखे थे और उसी समय मंगोलों ने भी आक्रमण कर दिया था। बस ये इनको सफल हम मान सकते हैं। बाकी सारे जो मंगोल आक्रमण हुए हैं वो सारे के सारे असफल रहे थे। और ये मंगोल आक्रमण जो किए जाते हैं, ये मंगोल शासक दावा खां के नेतृत्व में ये किए जाते हैं। उसी ने यहां पर ये आक्रमण कराए थे, जो 7 आक्रमण कराए थे, लेकिन ये आक्रमण असफल रहते हैं। तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोलों के द्वारा किए गए सर्वाधिक 7 आक्रमण थे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी बड़े महत्वपूर्ण थे। आजकल परीक्षाओं में ये क्रम अनुसार भी ये पूछ लिए जाते हैं। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।